आइए हम खुदा के हुजूर झुके, खुदा के आगे दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, दिल से, दिल की गहराइयों से तेरे हुजूर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। पाक और पवित्र यीशु, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तेरा कलाम सुने, बरकत पर बरकत पाए। आज के इस मैसेज पर, आज की आवाज पर तेरे लोग ऐ खुदावन इस कलाम को रगा ना करे बल्कि इसको सुने, जाया ना हो बल्कि ये कलाम जड़ पकड़ने वाला हो, बरकत पर बरकत तेरे लोग पाए जब सुने। मेरे यहोवा पाक खुदा, क्योंकि तू कौमों का रब है, जलाल का बादशाह है, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं सारे इस माहौल के लिए, सारे इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्शा है। मेरे खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। है खुदावन पीपल ऑफ गॉड के लिए जो चैनल तैयार किया गया, इससे खुदावन तू चमका अपने जलाल से, अपने पाक रूह के वसीला से। ऐ खुदावन तू मेरी दुआ को सुन, मैं तेरे हुजूर मिन्नत इल्तजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ। यहोवा पाक खुदा, पाक फौज के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, बरूनी मुल्कों के लिए, हॉस्पिटलों के बीमारों के लिए, बहुत सारे निचारों के लिए दुआ को है खुदावन। आज का जब वो कलाम सुने तो खुदावन तेरे नाम की गवाही का एक वसीला बने, पाक रुके वसीला से बरकत देना। मेरी दुआ को सुन, काबुल कर यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में बहनों भाइयों को सभी को सलाम। आइए हम खुदा का कलाम सुने। मुकाशवा की किताब में से यूहन्ना आरफ के मुकाशवा में उसका पांच बाब पढ़ेंगे, उसकी पहली आयत। दाखी कलाम में लिखा है, कलाम हक बताता है, लिखा है कलाम मुकद्दस में, तोमार और भरे का कमाल। तो जब हम इस बात को जाने खुदावन के कलाम में से, खुदावन की आवाज हमें बताती है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे सात मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर और फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार होने लगा कि कौन इस किताब को खोलने या उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। तब उन बुजुर्गों में से हर एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के घात के लिए गालिब आए। खुदा के कलाम पाक पड़े और इसने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम पाक में से हमें मिला खुदावन की आवाज, खुदावन का कलाम हमें बताता है जो हम सुनने को है और सुन रहे हैं। मैं सुनने वालों को और ये बात कहूंगा कि खुदा का कलाम जब सुने उस पर मतवज्जो हो जाए। खुदा के कलाम में लिखा है जो तख्त के ऊपर बैठा था, यानी वो खुदावन यीशु मसीह था। जब तख्त की बात आती है
तो खुदावंद यीशु मसीह के सिवा किसी ने उस तख्त को बहाल नहीं किया। यीशु मसीह ने उस तख्त को बहाल किया। तमार और भरे का कमाल, इस भरे की बाबत देखते हैं। कलाम मुकद्दस बताता है कि उसके दाहिने हाथ में एक किताब दी गई जो अंदर से और बाहर से लिखी गई थी, और लिखा आसमान से एक आवाज ऐसी जैसे जोर के पानी की सी थी। एक फरिश्ते को जोरावर देखा, लिखा वो बुलंद आवाज से ये मुनादी करता, हम सब उसे देखें, कलाम मुकद्दस को सुने। उस फरिश्ते को मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। इसके अंदर हमें बहुत सारे व्यू है जो मिलते हैं खुदा के कलाम के। कलाम हक हमें बताता है वहां पे यूहन्ना अर्थ के मुकाशवा में बहुत सारी बातें हैं, उसको बयान करने के लिए हमें वक्त चाहिए। खुदा के कलाम में से लिखा मुकाशवा 4 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जब दल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे। 144,000 शख्सों ने दाऊद यीशु मसीह के तख्त के सामने अपने ताज उतार कर अब्दुलाबाद शहर में जो जिंदा कहलाता है, वो पहले मर गया था, वो जिंदा कहलाता है, ताकि कलाम में लिखा है उन्होंने अपने ताज उतार कर उसके तख्त के सामने रख दिए। ताकि कलाम में मकाशवा की किताब बताती है, लिखा है जब उन्होंने तख्त पर ये बात देखी तख्त के सामने तो खुदा उनका कलाम बताता है मकाशवा 5 बाब उसकी 11 आयत में दान के कलाम में लिखा है और जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, जब मैंने निगाह की तो तख्त और 4 जानदारों और बुजुर्गों ने इर्दा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनाई दी। लिखा एक जिनका शुमार लाखों और करोड़ों की तादाद में बताया जाता है। जब उन्होंने उस किताब को देखा तो अनाली वो यीशु मसीह को किताब देनी पड़ी। 144,000 ने उस किताब को ना लिया और लाखों करोड़ों फरिश्तों ने उस किताब को ना लिया, बल्कि उन्होंने पुकार कर कहा, आवाज दे कर कहा हमें वो भरा चाहिए। दावन यीशु मसीह जो दाऊद की असल और बबर की मानद है, शेरे बबर की मानद है। लिखा है देखो यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल और इस किताब के 7 मोहरों को खोलने के लायक है। जब हम इसकी तवारीकी कलाम मुकद्दस में बात को सोचते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसकी 9 बाब 5 बाब की 9 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है और वो नया गीत गाने लगे, और बोलो नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब के खोलने और उसकी मोहरों के खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और बहुत सी कौमों के
सामने खुदावंद अपने खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। प्रकाशवा पांच बाप उसके हम तेरा जब देखते हैं, रामे मुकदस बताता है, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की मखलूक को देखा, यानी सब चीजों को जो उनमें है, और कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और भरे की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। नाके कराम में लिखा है, चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। लाखों करोड़ों फरिश्तों ने जब वो किताब लेनी ना चाहा, वो तमार खोलना ना चाहा, वो कलाम बयान करना ना चाहा, उस किताब को खोलने के लायक कोई ना निकला, ना कोई आसमान पर, ना कोई जमीन पर, ना कोई जमीन की पाताल में, बल्कि दावत यीशु मसीह को ले लिया गया। यहूदा की असल व नस्ल का शेर बब्बर मांग लिया, जब उन्होंने शेर बब्बर को मांगा तो शेर बब्बर की बात को सुनने के लिए हम सभी तैयार है। आज उस शेर बब्बर ने कमाल कर दिया है, तख्त के ऊपर बैठकर उसने अपने लोगों को आजाद कर दिया है। लिखा है इस किताब को आसमान पर खोलने के लिए कोई इस लायक ना रहा, जमीन के ऊपर कोई इस लायक ना रहा, जमीन की मखलूक में पताल में खोलने के लायक ना निकला। मेरे लिए आपके लिए दाका कलाम बताता है, लाखों करोड़ों की तादाद में किसी को भी ये शरफ हासिल न होगा कि हम इस किताब को खोलें। उन्होंने इकरार किया, उन्होंने अपने आप को खुदा के हाजिर रख लिया कि हमारे सामने एक खुदा की कुवत है, खुदा की हिकमत है, यीशु मसीह है, उसको दिया जाए। जब उसके हाथ में वो किताब दी, वो खुदा का कलाम बताता है, उन्होंने एक नया गीत गाकर पुकारा, आवाज दी, कहा तू ही इस किताब को खोलने के लायक है। खुदा का बर्रा ज़बह होकर इस किताब को खोलता है, खुदा का बर्रा इस किताब की बोरों को खोलने के तोड़ने के लायक है। कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो आसमान पर हो, जमीन पर हो, या जमीन की बताल में हो। मेरे लिए आपके लिए वही बड़ा खुदावन हमारा खुदा। लिखा तू ही इज्जत और तमजीद और कुदरत, और क्योंकि तू ही ने सब चीजों को पैदा किया और तेरी ही मर्जी से पैदा हुई थी। रामे मुकदस हमें बताता है काशवा पांच बाप उसकी पांच बाप की दस आयत में कलामे हक बताता है, लिखा मुकाशवा पांच बाप सात आयत में, उसने आकर तख्त पर बैठे हो के दाहिने हाथ में उस किताब को ले लिया, उसने उस किताब को ले लिया जो तख्त पर बैठे हुए थे, और दाहिने हाथ वालों से वो किताब ले ली। लिखा जिस जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदारों और 24 बुजुर्गों ने उसे गिरकर सिजदा किया और उसके कदमों में गिर पड़े, और लिखा है हर एक के हाथ में बतौर बर्बर और उससे भरे हुए सोने के प्याले थे, और उनके अंदर ये मुकद्दसों की दुआएं थी। मुकद्दस लोगों ने उस किताब को खोलने के काबिल अपने आप को ना समझा, मुकद्दस लोगों ने इस किताब को ले लिया जरूर, मगर खोलने के लायक ना ठहरे। मेरे लिए
आपके लिए खुदा का कलाम खुदा की आवाज बताती है कि उसके अंदर से आवाज सुनाई दी। ये इन मुकद्दसों की दुआएं थी। मुकद्दसी लोग जब खड़े हुए उनके बदन दिखाई दिए, जिस्म दिखाई दिए। खुदा का कलाम बताता है वो अब्राहम जैसे, इसहाक जैसे, याकूब जैसे दिखाई दिए उनके जिस्म। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, मुकद्दसों की दुआएं हमारे लिए आज भी मौजूद है। मुकद्दसी लोग, खुदा के लोग बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बिस्सहारों के लिए दुआ करते हैं, लाचारों के लिए दुआ करते हैं, और बहुत सारी बिदतें हमारे अंदर उनके उनके लिए वो दुआ करते हैं। और मेरे अजीज बहन भाई, अल्लाह के कलाम में से लिखा है, जैसे नया साल है, नए साल के तलब से हम देखें, लिखा है सब कुछ जब पूरा हुआ तो खुदा के कलाम में से मिलता है लाखों करोड़ों ने उसका कोई इम्तियाज ना किया। उन्होंने अपने खुदा यीशु मसीह को अहमियत दी, उसकी इज्जत को बढ़ाया, उसके नाम को जलाल दिया। खुदा के कलाम में लिखा है वो एक नया गीत गाने लगे। मुकाशवा 14 बाप में, मुकाशवा में 14 बाप में बताया जाता है कि जो तख्त पर बैठा है उसके बारे सोचते हैं, जानते हैं। जो तख्त पर बैठा है खुदा के भरे और उसके लोग इस बात को इस पर नागा करें, इस पर गौर करें। लिखा है फिर मैंने नगा की तो क्या देखता हूं, वो बना जो साहून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका उसके बाप का नाम लिखा होगा, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा होगा। बाकी कलाम में लिखा है मुझे आसमान पर से ऐसी आवाज सुनाई दी कि जो जोर के पानी की सी गर्ज की सी आवाज थी। लिखा जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बतौरे आवाज बरबत मचाते हुए। लाखी कलाम में लिखा वो तख्त के सामने उन्होंने अपने आप को गिरा दिया, उन बुजुर्गों ने 144,000 और लाखों करोड़ों ने अपने आप को खुदा के हुजूर गिरा दिया, सिजदा किया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो एक नया गीत गाने लगे। मुकाशवा की किताब पहले 14 बाब की 3 आयत में लिखा तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गाने लगे थे, गा रहे थे। और 144,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीदे गए थे कोई उस गीत को सीख ना सका, क्योंकि वो ये है जो औरतों से के साथ अनुदा नहीं हुए बल्कि वो कुवारे हैं, ये भरे के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ कहीं वो जाता है लिखा ये खुदा के और भरे के लिए पहले फल होने के वास्ते है। जो आदमियों में से खरीदे गए हैं वो कौन से है, वो ये है जो उस पर ईमान लिया है, जिन्होंने यकीन कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया है। लिखा कभी उनके मुंह से झूठ नहीं निकलता क्योंकि वो बेआइब है, वो बेआइब है। नए साल के तलक से इस मजमून को देखते हैं, जैसे काशवा 5 बाप 9 आयत में बताया गया कि वो नया गीत गाने लगे, लेकिन मुकाशवा 14 बाब में बताया गया कि उस नए गीत को वो सीख ना सके, वो गीत को सीख ना सके, वो नया गीत गा रहे थे। मुकाशवा की किताब में 3 बाब 11 आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ हिस्कल नबी के असीफे को देखना चाहते हैं। हिस्कल नबी के असीफे में खुदा का कलाम, खुदा की आवाज हमें बताती है हिस्कल नबी के सिफा में से 36 बाब उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है
कलाम हक बताता है हिजकल 36 बाब की 26 आयत, और मैं तुमको नया दिल बख्श दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल निकाल डालूंगा और गोश्त में दिल आनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुमसे अपने ऐन की पैरवाई कराऊंगा और तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और उनको बचा लोगे। मेरे लिए आपके लिए धक्का कलाम खुदा की आवाज ये बताती है कि जब कोई शख्स तोबा कर लेता है, देखे 144,000 ने उस भरे की कितनी इज्जत की है, कितनी शुक्रगुजारी की है, क्या हम इस लायक नहीं इस किताब को खोलने के। खुदा का भरा है जो इस किताब को खोलने उसकी मोहरों को तोड़ने के लायक है। उन्होंने कितनी ताबेदारी की है, हमें भी इसी तरह एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ताबेदारी करनी चाहिए। मेरे लिए आपके लिए आज हमें खुदा का कलाम खुदा की आवाज बताती है, मैं तुमको नया दिल बख्श दूंगा, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, संगीन दिल तुम्हारे जिस्म से निकाल दूंगा। संग दिल लोगों को खुदा कबूल नहीं करेगा। जो जिस्म के लोग हैं वो जिस्म की बातें करेंगे, जो रूहानी लोग हैं वो रूहानी बातें करेंगे, जो बिदतियां वो बिदतों की बातें करेंगे। मेरे लिए आपके लिए खुदा का कलाम बताता है, मैं तुमको नया दिल बख्श दूंगा। निकोदिमस की तरफ देखे, जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, योना की अंजील में उसके 3 बाप पहली आयत में लिखा है, फरीसियों में से वो एक सरदार था, यहूदियों का एक वो सरदार था जिसने यीशु के पास आकर रात के वक्त आवाज दी, है रब्बी तू उस्ताद होकर आया है, कोई शख्स मौजदे नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आज भी खुदा के साथ होने की जरूरत ये है, उसके साथ चले, उसके कदमों में आए, जैसे 144,000 उसके कदमों में गिर पड़े, जैसे 144,000 ने उसका इकरार कर लिया, लाखों और करोड़ों फरिश्तों ने उसका अकरार कर लिया। दाखी कलाम में लिखा है उस निकोदिमस ने भी अकरार किया, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊं, मैं दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर नए सिरे से पैदा हो सकूं। लिखा है यीशु ने कहा, निकोदिमस तेरे लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, इसलिए जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है, जो पानी से पैदा हुआ है वो पानी है। मेरे लिए आपके लिए हवा जिधर को चाहे चल जाती है, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा जैसे इब्ने आदम आसमान पर चढ़ा है, इसी तरह हमें भी उसके पास आने की जरूरत है। मेरे लिए आपके लिए खुदा का कलाम बताता है, जो उस पर ईमान लाए उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान ना ही लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। हमें सजा नहीं पानी चाहिए बल्कि पूरी आयत को देखें, इसलिए वो खुदा के इकलौते बेटे का नाम जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो उसकी ईमानदारी से उसके करीब आते हैं वो जिंदगी पाते हैं। मेरे लिए आपके लिए नए साल के तलक से ये जो मौजू है इस बात को जाने। देखिए नए साल के बारे में जब आप देखते हैं, नए साल के तलक से देखते हैं, मेरे को दिमस तेरे नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, तो हमें नया दिल भी मिल जाएगा जब हम नए सिरे से पैदा होंगे, नई रूह भी हमें मिल जाएगी जब हम ताबेदारी करेंगे, वहां अपने हवाले पर चलेंगे। मुकाशवा 3 बाप योनार के मुकाशवा में लिखा, जो गालिब आए मैं उससे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उसने
यरूशलम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। लिखा वो जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को किताब दे दी तो खोली गई, तो वो नया गीत गाने लगे। लिखा वो उस गीत को सीख ना सके। मैं तुम्हें एक नया यरूशलम दूंगा। नया यरूशलम कहां से आएगा? लिखा आसमान से वो उतर रहा है। मैं उसके ऊपर एक नया नाम लिखूंगा। उसके फ्रंट के ऊपर हैकल के अंदर जो लोग जमा होते हैं वो अपने खुदा के जरूर जा पाते हैं तो नए यरूशलम में शामिल हो जाते हैं। मेरे लिए आपके लिए खुदा का कलाम बढ़ता और तरक्की पाता जाए। खुदा आपके साथ हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दिल से, दिल की गहराइयों से तेरे जरूर झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं। मेहरबान यहोवा पाक खुदावन, पूरी कुदरत वाले खुदा, मिन्नत करते हैं सुनने वालों को जिन्होंने तेरा कलाम सुना, शायद से बैठा और जिंदगी बख्श कलाम सुना, इनको बरकत देना, अपने जलाल से छू लेना, ब्लेस कर देना, यीशु के नाम से। आमीन।